सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे हेलो फ्रेंड्स सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा आज इस वीडियो में मैं आप सभी को तह दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे दो लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब ने मुझे मौका दिया और आप सभी के बिना यहां तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था आपने मेरे काम को पसंद किया और साथ में मुझे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको अच्छी वीडियो सिलाई से रिलेटेड आइडियाज़ जो है वो मैं आपको देती रहूँ आपका फिर से तह दिल से धन्यवाद और अब हम बनाएँगे डोरमेट टावल से हम डोरमेट बनाएंगे जो ये टावल हमारा जो है ये देखिए यहाँ से जो है फट चुका है ये यूज़ टावल है तो आप उसको जो है डोरमेट में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड जो बहुत ही इजी है बनाना और देखने में भी सुंदर लगता है फ्रेंड ये देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है सबसे पहले हम वो पीस ले लेंगे जिस पर हमने जो है ये बनाना है यानी बेस जो है हमारा वो हम एक कपड़ा ले लेंगे कोई भी आप उसमें कपड़ा ले सकते हैं साइज़ उसमें आप कोई भी ले सकते हैं डिज़ाइन आप उसमें कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं है। उसके बाद इसको बनाने के लिए देखिए मैंने जो है ये स्क्वायर पीस काट लिया है तो इस पर हम जो है ये बनाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे ये देखिए टावल लेंगे टावल को जो है हम सीधी सीधी जो है पटियां इसकी काट लेंगे जो हम स्ट्रिप काटेंगे वो हम डेढ़ इंच की जो है वो स्ट्रिप काटेंगे डेढ़ डेढ़ इंच की जो है स्ट्रिप यहां से हम कहीं से भी आप काट सकते हैं ये जो पोर्शन होगा इसको हम यहाँ से डेढ़ इंच लेंगे इसको भी यहाँ से तो ये भी डेढ़ इंच यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको और डेढ़ इंच काटते काटते यहाँ पर जो है हम इसकी स्ट्रिप जो है काट लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स स्ट्रिप जो है मैंने कटिंग कर ली है ये 1.5 इंच की जो है मैंने स्ट्रिप काटी है अब हमने क्या करना है ये देखिए जैसे हमारा कोई भी साइड आप जहाँ से भी लगाना स्टार्ट करेंगे इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ये हमारा राइट साइड नीचे की साइड रहेगा और ये बैक वाला जो है ये हमारा ऊपर की साइड में ये रहेगा तो अब क्या करना जैसे हमने इसको ये फोल्ड किया उसके बाद ये वाली स्ट्रिप लेंगे जिसमें हमारा यहाँ पर ये जो बॉर्डर बना हुआ है टावल का तो ये लेना है हमने तो इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको जो है इसके ऊपर से ऐसे सिल देंगे ताकि ये भी जो हमारी जो कपड़ा है ये यहाँ से एजेस जो है यहाँ से इसके सेट हो जाए और यहाँ पर हम सिलाई एक साथ कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से तो इसका जो है सेंटर निकालेंगे सेंटर निकालते हुए इसको भी साथ में रखेंगे और यहाँ पर रखते हुए जो है जो है हम इसको पूरी जो है सीधी सिलाई जो है वो एक सिलाई हम बीच में लगा देंगे लगाने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स जैसे अगर आप बीच में और भी डिज़ाइन जैसे टावल के बिना आप कपड़े भी आप इसमें यूज़ करेंगे तो थोड़ी जो है इसमें और भी अच्छा डिज़ाइन लगेगा बनाने के लिए तो इसमें हम क्या करेंगे हम अपना साइड का जो बॉर्डर है वो निकाल लेंगे वो निकालने के बाद जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत पीस बचेगा उसको हम इस डिज़ाइन में सेट कर लेंगे तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी पहले जो है हम इस पर एक जो है सिलाई लगा लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये जो स्ट्रिप जो है मैंने यहाँ से इसको बीच से सिल लिया है ये देखिए और कपड़े को जो है मैंने रॉन्ग साइड जो है रख कर इसको मैंने ये इस तरीके से स्टिच कर लिया ताकि हमें मोड़ना ना पड़े इस तरीके से हम स्टिच करेंगे दोनों एक साथ स्टिच हो जाते हैं दूसरा ये अगर आप यहाँ पर भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं कि ये देखिए मैंने जो है इस पर बॉर्डर नहीं लगाया इसको मैंने टावल का ही जो बॉर्डर जो है वो मैंने यहाँ पर इसको ले लिया है तो अब ये देखिए अब क्या करना है हमने जो स्टिप यहाँ से दोनों साइड से देखिए यहाँ से इसके एडजस्ट निकले होते हैं इस तरीके से वो वाली हम स्ट्रिप लेंगे अब यहाँ पर और इस स्ट्रिप को बिल्कुल इसके साथ साथ रखते हुए ये देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे रखते हुए और यहाँ पर हम एक सिलाई ऐसे लगाएंगे फिर उसके बाद हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे ये देखिए फिर तब ये सिल जाएगा उसके बाद हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको बिल्कुल ऐसे इक्वल रखते जाएंगे ताकि ये जो है हमारा डोर डोरमेट जो है वो ऐसे जो है फिनिशिंग से बने इस तरीके से फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसको ऐसे कर देंगे ऐसे ही दूसरी स्ट्रिप लेंगे इसको भी यहाँ से ऐसे रखेंगे इसको और यहाँ से हम स्टिच कर देंगे ऐसे करते हुए इसको जो है पूरा जो है हम स्टिच करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स सारी स्ट्रिप जो है ये हमने लगा दी है और उसके बाद ये देखिए इतना ये है सॉफ्ट जो ये बना है हमारा डोर मैट और दूसरा ये ये देखिए यहाँ पर जो हमारे एजिस हैं ये मैंने सभी को एक जैसे मैंने इसको लिया ये देखिए तो यहाँ पर अगर हम बॉर्डर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं नहीं तो ज़रूरत नहीं है अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है ये भी देख लीजिए आप जैसे हमने ये स्ट्रिप लगाई है इसको हम थोड़ा सा गैप में लगाएंगे यानी आधा इंच गैप में लगाएंगे अगर हम आधा इंच गैप में लगाते हैं तो हम इसके साथ में जो बॉर्डर है अटैच कर सकते हैं तो इसलिए जो है आप इसको साथ लगाएंगे तो आपको बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस ऐसे गैप रखने के बाद जो है आप इसे बॉर्डर लगा सकते हैं दूसरा ये देखिए यहाँ पर भी जो है हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है जिसमें जो शेप है ये देखिए इस तरीके से जो इसकी शेप आएगी और यहाँ पर भी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही आधा इंच रखेंगे और उसके आधे इंच के बाद गैप रखकर आप यहाँ तक आप जो है स्ट्रिप लगाएंगे उसके बाद आप इसमें बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं अब ये देखिए ये वाली जो स्ट्रिप है जो कपड़े की हमने लगानी है अलग से ये आप पूरे में भी लगा सकते हैं और गैप में भी लगा सकते हैं तो अब ये देखिए इसकी जो मैंने जो स्ट्रिप काटी थी ये वन की काटी थी और ये वाली स्ट्रिप भी हमने वन की ली है अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो टू इंच जो है आप इसमें कट कर लीजिए और इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे सीधा सीधा रखते हुए इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे सेम ऐसे ही लगाएंगे स्टिच जैसे हमने और इसमें लगाई है इसको देखिए ऐसे करेंगे इसको यहाँ से इक्वल करेंगे और इसको भी बीच में रखते हुए यहाँ से हम स्टिच कर देंगे ये ऐसे कर कर ये देखिए तो ऐसे ही जो है आप हर उसमें भी लगा सकते हैं स्ट्रिप में और थोड़ा गैप कर कर भी आप इसमें लगा सकते हैं तो मैं इसको जो है कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स डोरमेट जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत ही सॉफ्ट है ये और बहुत जल्दी बनता है इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी है इसको बनाना फ्रेंड्स और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद